बहुत। एक बहरा व्यक्ति सुनाई नहीं दे उसको, पूरा बहरा मशीन से भी सुनाई नहीं दे, और कथा में सबसे आगे जाके बैठे और महाराज कथा के और मुंडी हिलाए। बस बहरा कहीं नहीं सुना है, कथा में आगे बैठ जाए। अब पंडित जी को भी नहीं मालूम कि ये बहरा, अब वो तो बहुत जोरदार जोरदार हाथ हिलाए तो पंडित जी को भी लगे कथा इसी को समझ में आ रही है। और जैसे भजन चालू हुआ सब उठे तो बेरा तो बेरा, उसको मालूम ही नहीं कि भजन चालू हुई, तो देख लेके उठ गए सब। तो ये बैठ और नाच नचा के फिर बैठ गया और फिर कथा चालू, और महाराज जी बस मुस्कुरा के कुछ कहते। अब 3 दिन कथा के निकल गए। अब महाराज जी ने जब शाम को कहीं चाय वाय पीने गए तो उन्होंने कहा इतना सारा लोग कथा में एरिया है, पर आगे आगे एक दादा बैठे नहीं पीला साफा बांध के, क्या जोरदार पूरी कथा बस उन्हीं के समझ में एरी, बाकी का सब तो नीचे। इतना में गांव का एक व्यक्ति बोल दिया काय की सुने बेरा भरे, काय की सुने वे तो बेरा। अब के बेरा हाँ के कहाँ रहे वे, के वो यही रहता है। तो क्या उसके घर चले क्या अपन, के चलो। ऐसा हो ही नहीं सके कि बेरा इतना हाथ हिलाए, नाचे भी जोरदार रुमाल से। अब उसके घर गए पंडित जी ने जाकर उनसे कहा राम राम। अब इके कहीं सुनाई नहीं दिया तो अपने काम में लगा था, इके छोरे ने बताया हिला के गुरु जी आया है। उन्हें उठ के धोख लगाई, महाराज जी बैठो। छोरा से पूछा इनके सुनाई नहीं दे क्या, पढ़ा लिखा है कि नहीं, ए पढ़े लिखे हाँ पर सुनाई नहीं देता। अच्छा गुरुजी ने स्लेट पर लिख कर दिया कि तुम्हें सुनाई नहीं देता तो तुम कथा में आगे आगे बैठते हो और हाथ हिलाते हो नाचते हो, ये काय के लिए करते हो, जब तुम्हें कुछ सुनाई तो देता ही नहीं है तो फिर कथा में काय के लिए आते हो। तो उसने पढ़ा और पढ़कर जो जवाब दिया वास्तवता है, ऐसा जवाब कोई गांव का साधारण व्यक्ति नहीं दे सकता। उसने कहा कुछ नहीं, मैं कथा में आकर बैठता हूं, मेरा बेटा मुझे कथा तक लाकर छोड़ता है, वापिस लेने के लिए आता है, कम से कम कथा के दरवाजे तक मेरा छोरा मेरे कारण पहुंच तो जाता है, उसका पुण्य मिल जाएगा, बस बहुत है। हाथ क्यों हिलाते हो, तुम्हें समझ तो कुछ नहीं आता, मैं अपने लिए हाथ नहीं हिलाता। जितने लोग कथा सुनने के लिए आते हैं उनको प्रेरणा देता हूं, नींद मत लेना, कथा सुनना, जितनी उमंगता से मैं सुन रहा हूं उतनी उमंगता से सुनना, प्रेरणा दे रहा। किन्नरों की